नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर यादव पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो संडे को वेबिनार होने वाला है उसके बारे में कुछ डिटेल्स, और पिछले 2 दिन में जो ऑटो सेक्टर के अंदर ट्रेडिंग हुई है तो काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में, तो वो सब चीज़ें भी इसमें डिस्कस की जाएंगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो वेबिनार है वो संडे को मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का प्लान किया गया है। संडे जो कि 24 नवंबर यानी 24 नवंबर को 10 AM to 12 PM का प्लान किया गया है, और इसके लिए आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी वो आपके पास एक नोटबुक और एक पेन, जो आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है कि क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर दिया जाएगा, तो आपको लगता है कि यू शुड मेक अ नोट ऑफ दैट, तो यू कैन जॉट इट डाउन। उसके अलावा आपके पास एक जूम ऐप होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था ये कुछ ऐसा होता है। ये देखिए, ये जूम ऐप है, यहाँ पर मेरा माउस देखिए, ये गूगल क्रोम की साइड में जो दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा एक ऐप होगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये शायद 2 या 3 MB का होता है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास एक माइक के साथ ईयरफोन या फिर कोई भी आप जो सिंपल अपने फोन के लिए यूज करते हैं जिसके अंदर कॉल लेते हैं, तो वो आपका माइक होना चाहिए ताकि आप पूछकर क्वेश्चन क्वेश्चन पूछकर बोलकर अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस वेबिनार में होने वाली है वो है कि आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए ए टू मर्केंटाइल ग्रुप के मिस्टर रवि वर्मा, मिस्टर विजय, मिस्टर चंद्रकांत चंदर, मिस्टर पुरुषोत्तम जी एंड मिस्टर विपुल पटेल, ये 5 लोग आने वाले हैं जो ए टू मर्केंटाइल के सुपर एस ट्रेडर हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में डिटेल दे दी थी, बट आई एम ऑनेस्टली आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए कि आपको क्या पूछना है, ऐसी लेवल्स के बारे में ना पूछकर आप अगर ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये लोग आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे, हर कोई इस फील्ड में काफी टाइम से है, उनको काफी एक्सपीरियंस है, वो सब मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी ट्रेडिंग करती हैं। आपने उनके बारे में निर्मल सर की वीडियोस में बहुत बार सुना होगा, ठीक है। तो वो सब 5 लोग आ रहे हैं, रवि जी का भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वो अगर अपने प्रोजेक्ट से बाहर नहीं गए तो वो पक्का आएंगे, नहीं तो फिर ही विल नॉट बी अवेलेबल, फिर उनको हम किसी नेक्स्ट वेबिनार में या वर्कशॉप में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब की बार जो वेबिनार हो रहा है उसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया जाएगा या बताया जाएगा। उसके लिए इस वेबिनार के बाद इसमें देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है लोगों का, ठीक है। तो उसके हिसाब से जब वर्कशॉप की जाएंगी, वर्कशॉप में आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिटेल्स बाद में नेक्स्ट वीडियोस में, या वीडियोस में तो नहीं बताया जाएगा, अभी जो आपको डिटेल्स दी जाएंगी वो टेलीग्राम चैनल पर ही सेंड की जाएंगी, तो आप उस टेलीग्राम चैनल से जो किसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसमें लिंक कर उस लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं, ओके। तो ये तो हुआ वेबिनार के बारे में, फिर से बता रहा हूँ, 24 नवंबर को संडे के दिन 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का प्लान किया गया है। जूम ऐप की रिक्वायरमेंट होगी, ये बेसिक है, नोटपैड रखना है आपको नहीं रखना वो आपकी मर्जी है, क्योंकि इस वीडियो की शायद रिकॉर्डिंग ना मिले, मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी भी, अगर कल में परचेज हो गया तो ये है, क्योंकि अभी एक गो टू मीटिंग्स एंड काफी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स और भी हैं, मैं उनके बारे में भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी कुछ फाइनल डिसीजन लिया नहीं गया है कि कौन सा ऐप परचेज करना चाहिए, क्योंकि उसमें पैसा लगता है पर मंथ, कुछ सब्सक्रिप्शन चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों से मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है। तो हर महीने मेरे ऊपर बिना बात का एक बर्डन आ जाएगा, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मनी को सेव करना बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कल के 2 दिन में जो हो रहा है, कल आप लोगों ने सबने देखा कि ए टू मर्केंटाइल या AES एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है अपना, उसके अंदर एक वीडियो डाला था निर्मल सर ने, उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने मारुति को ट्रेड किया था, आज बजाज ऑटो को ट्रेड किया गया था। तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा, जो कि ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर को मैं डेली चार्ट में ओपन कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो
इसमें आप लोगों को अगर कल के वीडियो में आपने देखा तो यहाँ पर बताया गया था कि अपने एक सपोर्ट लेवल से टकराया, जो सपोर्ट लेवल था वो था 8071.15, 8071.15। तो इसको मैं एक बार ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ, ठीक है, और ये मार्क कर दिया। ये ओपन प्राइस मेथड के हिसाब से एक सपोर्ट था, और इस दिन देखिए यहाँ पर ये इसके नीचे जाकर 8063, ये था 8071, ये था 8063, इसने इसको ब्रेक कर दिया था। अभी थोड़ा सा मैं जूम किया है मैंने ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए, इसने इसको ब्रेक किया। जब भी मैंने आपको बताया कि किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से टकराता है तो हम लोग एक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं कि शायद ये कल थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करे, क्योंकि ये सपोर्ट से टकरा है और रेजिस्टेंस से टकराता है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद ये थोड़ा नीचे गिरने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये इस लेवल से टकराया था जो कि आपका था 19 नवंबर। इसके साथ साथ मैं एक बार मारुति के चार्ट को भी ओपन कर लेता हूँ और बजाज ऑटो के भी चार्ट को ओपन कर लेता हूँ डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो ये मारुति हो गया और ये हो गया बजाज ऑटो, ठीक है। तो ये दो ट्रेड आपके लिए, दो स्टॉक ओपन किए हैं, ठीक है। तो ये मारुति हो गया और ये बजाज ऑटो, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लेवल्स था मैं उसको अभी नहीं बताऊंगा, उसका रीजन है क्योंकि अभी बताऊंगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, ठीक है, कि वो कहाँ से मार्क हुए, क्यों मार्क किए, ठीक है, यहीं पर क्यों मार्क हुए, पहले क्यों नहीं। तो वो एक हिस्टोरिकल लेवल था, अब बस इतना जानने की वो कीजिए, क्योंकि रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग का आपको कोई वीडियो नहीं दिया गया है, तो एक हिस्टोरिक लेवल से निकल कर आया था, ठीक है। और जो आपका ये बजाज ऑटो था, बजाज ऑटो में भी आप देख सकते हैं, जो इसका भी मैं एक बार बता देता हूँ कि इसका भी एक हिस्टोरिक लेवल निकल के आया था, मैं बता देता हूँ, वो 3149 कुछ था, ठीक है। मैं अभी मार्क नहीं कर रहा उस लाइन को क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, उस कंफ्यूजन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा फिर, तो इससे अच्छा है कि उसको अभी हटा दिया जाए। वैसे अगर आपको देखना है तो देखिए, ये वाला जो लेवल था, आई थिंक ये कब का है, क्वार्टर के हिसाब से देखे तो मई का था, इस 3149 पर है, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला लेवल था। अभी इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कि आप लोगों ने इसको 19 को क्यों नहीं ट्रेड किया, 20 को ट्रेड क्यों नहीं किया, आज ही क्यों ट्रेड किया इसको। पहला क्वेश्चन जो आज सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा था वो ये था। दूसरा, मारुति कल ट्रेड हुआ था तो मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को कल निर्मल सर की वीडियो में बता दिया गया था कि क्यों उसको ट्रेड किया गया है, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता आज, ठीक है। तो मारुति के बारे में आपको पता चल गया था। अब देखिए, जब ऑटो, अभी मैं बताता हूँ कि आपको उसको ट्रेड क्यों किया गया था। अब मैं एक बार निफ्टी ऑटो को 5 मिनट के चार्ट पर भी ओपन कर लेता हूँ और बजाज ऑटो को भी, 5 मिनट 60 डेज, ठीक है। और जो अपना ऑटो है उसको भी 5 मिनट के चार्ट पर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार जो ये लाइन थी, ये लाइन थी 8071.15, तो मैं एक बार इस लाइन को मार्क कर देता हूँ, 8071 ठीक है। ये लाइन थी जो कि अपनी सपोर्ट लाइन का काम कर रही थी, और इस उससे 18 तारीख को ये उसके नीचे जाकर क्लोज हुआ था, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके ऑप्टिमिज्म का कैसे पता चला, इस सिंपल था, इस रेजिस्टेंस के, क्योंकि जब ये नीचे गिर गया था तो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला था, और इसने इसके ऊपर ओपनिंग देकर बताया था कि इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, हो सकता है यहाँ से घूमने की कोशिश करे, और इसने वही किया, ये यहाँ से घूमने की कोशिश की, ठीक है। उसके ऊपर ओपन हुआ, नीचे गया, सस्टेन नहीं किया, ऊपर आ गया, ठीक है। तो उस दिन मारुति को ट्रेड कर लिया गया। अब देखिए, उसके साथ साथ था बजाज ऑटो, ठीक है। अब बजाज ऑटो का जो ये सपोर्ट लाइन है, ये मैं मार्क कर देता हूँ 3149, 3149, 3149, 3149, एग्जैक्ट लेवल क्या है, अप्लाई अप्लाई 3149 एग्जैक्ट लेवल है,
3149.95, 3149.95, ठीक है। तो ये एक एग्जैक्ट लेवल था जो कि, ठीक है। अब देखिए, ऑटो इस दिन टकराया 19th को इसके साथ। अब 19th को जो ट्रेडिंग था, ट्रेडिंग डे था, वो ये था। इस दिन हम लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, या मतलब हम कह सकते कि हम लोग इस दिन इतने वो नहीं थे कि ये इस लेवल से टकरा कर, क्योंकि बजाज ऑटो तो टकराया था तो इसमें तो था, लेकिन सेक्टर में ऐसा कुछ था नहीं 18 तारीख को। ये देखिए, इस लेवल के बहुत ऊपर था, तो उस दिन कोई ऑप्टिमिज्म ऐसा दिखा नहीं था कि ये आज के दिन ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए 19 तारीख को तो सिर्फ इसलिए अवॉइड किया गया क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं था कि ये यहाँ से उठकर यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो ये उस 18 तारीख को यहाँ से टकराया, 19 को यहाँ से टकराया, ठीक है। अभी जो दूसरा क्वेश्चन था कि जब यहाँ पर पता चल गया था कि आज ये ऊपर ओपन हुआ है, जो कि था तारीख अपना 20 तारीख, 20 तारीख मतलब ये वाला दिन, ये आप माउस देख सकते हैं इस पे। एक मिनट, मैं ठीक है, तो ताकि मैं हाईलाइट कर सकूं, क्योंकि कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इसको कर देते हैं थोड़ा इधर, ठीक है। तो ये हुआ, तो जो आपका ये वाला कैंडल है, ये था आपका, ये वाला कैंडल था आपका 20 तारीख का। 20 तारीख को ट्रेडिंग ना करने का रीजन मैं अभी आपको 5 मिनट के कैंडल में दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑटो में कि कल मारुति को क्यों ट्रेड किया गया, इसको क्यों नहीं किया गया। अब देखिए, ये सपोर्ट लाइन थी। अब आप देख सकते हैं कि देखो, इसने एग्जैक्टली ऑटो सेक्टर के ऑपोजिट बिहेवियर दिखाया। कैसे? ये यहां पर इसके नीचे क्लोज होकर ऊपर ओपन हुआ, ये इसके ऊपर क्लोज होकर नीचे ओपन हुआ, ठीक है। तो मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो वीकनेस में बदल गई, और जो इसकी वीकनेस थी वो स्ट्रेंथ में बदल गई, ठीक है। दूसरी चीज, फिर भी इसमें एक जो, जब इसने यहां पर आकर, ठीक है, इसमें बाई पोजीशन बनाने की कोशिश की थी मैंने, क्यों की थी मैं बता देता हूं। ये यहां पर कहीं ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की, फेल हुआ, नीचे आ गया, लेकिन अपने लो को प्रोटेक्ट कर लिया। वो कैसे पता चला लो को प्रोटेक्ट कर लिया? क्योंकि जब ये यहां तक आया तो उम्मीद थी कि शायद ये इसको ब्रेक कर दे, लेकिन बजाज, सॉरी, निफ्टी ऑटो था, वो ऊपर की तरफ जा रहा था, ये यहां से घूमा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर बैठ गया, ठीक है। क्योंकि जब वापस जा रहा था तो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो ऊपर जाकर बैठ गया। लेकिन इसने जो ये बिहेवियर दिखाया, इसका मतलब है कि अब हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या ये सच में ऊपर जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके नीचे आया, नीचे आने के बाद हमने इसमें वेट किया, जो ये वाली कैंडल थी इसके ऊपर, ठीक है। क्यों किया इसके ऊपर? क्योंकि देखिए, इसमें नीचे सपोर्ट बना था, ठीक है, नीचे इसमें सपोर्ट बना था, तो सपोर्ट ऑब्वियस था। यहां पर अगली ही कैंडल में जो कैंडल थी अपनी, ये वाली जो, ये वाली कैंडल थी, ये कैंडल है अपनी, ये वाली, ये रेड कैंडल है, और जो ये कैंडल है मैंने हाईलाइट कर दिए, इस वाली कैंडल ने रेजिस्टेंस को डेवलप किया था ओपन प्राइस मेथड के हिसाब से। तो इसके टॉप पर जो लाइन लगी है वो है, इसका टॉप है 3139.00, ठीक है। उसके बाद इस रेजिस्टेंस को यहां पर ब्रेक किया गया, ऊपर गया, इसके ऊपर जाने के बाद मैंने इसी ब्लू लाइन के ऊपर अपना एंट्री प्राइस डाल रखा था, जो ये लाइन है, मैं इसको ब्लू कलर से कर देता हूँ, ठीक है। ये अप्लाई किया, ठीक है। ये जब ये यहाँ पर ब्रेक हुआ, ब्रेक करने वाली कैंडल थी वो थी 12:05 की, ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया। मैं वेट करता रहा यहाँ पर कि ये आएगा आएगा, ये आया नहीं, और ये सीधा ऊपर निकल गया, ठीक है। और मैंने इसमें एंट्री बनाने का वेट किया, लेकिन ये जब यहाँ पर चला गया उसके बाद, तब मैंने इसको छोड़ दिया कि अब शायद इसमें एंट्री नहीं मिलेंगी। अगर यहाँ पर कहीं एंट्री लेते हैं तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो काफी खराब हो जाता है, तो इसलिए इसमें एंट्री नहीं बनाई गई, ठीक है। तो ये कल का दिन था, अब उसको क्लोज कर दिया गया। आज के दिन क्या हुआ? आज मॉर्निंग में ये उसके ऊपर ओपन हुआ,
ठीक है, नीचे जाने की कोशिश की, सस्टेन नहीं हुआ, गिर गया, ऊपर चला गया वापस, फिर से गिरने की कोशिश की, गिरने के बाद वॉल्यूम बढ़ाया, उससे भी ऊपर की वॉल्यूम से ये ऊपर चला गया, और ये यहाँ पर इसके अंदर एंट्री जो बनी थी वो मेरी थोड़ी सी 3146 के आसपास की एंट्री थी, 3146 का एंट्री था, और जो टारगेट था वो था 3200 का, ठीक है। तो उसका रीजन ये था क्योंकि आज इसने कल के बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर दिखाया था कि आज ये ऊपर गया, उस सपोर्ट के ऊपर ओपन हुआ, और इसने उस स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखा जो कि जिस स्ट्रेंथ के साथ ये कल ऊपर जाकर क्लोज हुआ था, ठीक है। तो अब आप, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि क्यों हम लोगों ने इसको कल ट्रेड किया, कल ट्रेड नहीं किया, क्यों आज ट्रेड किया गया, ठीक है। आज कोई भी कंफर्मेशन इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपली जैसे ही ये यहाँ पर आया ऊपर जाने लगा तो समझ आ गया था कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक जिगजैग पैटर्न भी था, यहाँ कहीं जिगजैग पैटर्न था, लास्ट जिगजैग पैटर्न था ये वाला जो था, 2:05, 10 मिनट, 15 मिनट, 2, 5, 10, 15, ठीक है। तो एक बार अगर इसके पास लाइन लगाए तो ये वाला था, बहुत सारे लोगों ने आज 3153 की भी एंट्री बनाई थी, आज हमारे जो ग्रुप के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन सब ने यहीं पर एंट्री बनाई थी। टारगेट था 3200, ठीक है। तो मैं 3190 के आसपास निकल गया था, मैं आपको उसका भी रीजन बता देता हूँ, जो मैं निकला था वो था इस कैंडल का सिग्निफिकेंट लेवल, जो 18 तारीख की कैंडल है, 18 तारीख की कैंडल एक बार निकाल लाते हैं, 18 तारीख की सिग्निफिकेंट कैंडल थी यहाँ कहीं, तो ये थी 10:10, तो इसका हाई था 3192.55 का हाई था शायद इसका, 3192.55 का हाई था इसका, ये था मेरा टारगेट, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए कि ये 3146 के आसपास कहीं बाई हुआ था, और 3194 यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 रुपीज, ठीक है। तो ये रीजन था उसका, और कई लोगों का जो इसका जो टारगेट था वो 3215 का था, लेकिन मुझे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए नजर आया क्योंकि आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने अपने दिन के लो को ब्रेक कर दिया था, एंड आई वाज वेरी श्योर कि अब ये शायद 3215 तक नहीं जाएगा। और अगर आप निफ्टी को भी देखेंगे तो निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करते हैं 5 मिनट में, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर कहीं उसी टाइम के आसपास निफ्टी भी एक बार अपने लो को यहाँ पर ब्रेक कर चुका था और एक बार यहाँ पर ब्रेक किया था, ठीक है। तो अभी जो इसमें मेन मेन क्वेश्चन थे कि ऑटो में क्यों बाइंग की गई उसका रीजन बता दिया, मारुति का कल आपको सर की वीडियो से पता चल गया, बजाज का आपको बता दिया कि कल क्यों ट्रेड नहीं हुआ, आज क्यों ट्रेड हुआ, आज इसका लेवल भी बता दिया गया, कल भी इसका लेवल बताया गया था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा कुछ आइडिया लगा होगा कि कैसे ट्रेडिंग हुई थी। अब सबसे बड़ा जो कई लोगों का क्वेश्चन था कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया, तो स्टॉक सिलेक्शन का कुछ नहीं था क्योंकि ऑटो को सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 को चेक करते हैं कि वो कहाँ पर ट्रेंड कर रही है, कहाँ पर ट्रेड कर रही है अभी, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक एक सेक्टर को एनालाइज करते हैं कि वो कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें जब वो मूवमेंट दिखा निफ्टी में ये यहाँ पर टकराया तो इसके 2 दिन मतलब अगले दिन ये ट्रेड हो सकता था, वो हुआ। आज जो इसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग हुई थी वो मारुति में, आज आपको वीडियो मिल गया होगा कि कैसे वो ट्रेडिंग की गई थी, ठीक है। तो शायद 7155 के आसपास की एंट्री थी सर की, 7155 जो कि इस कैंडल का हाई था, ठीक है, और सपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश की थी, तो ये था 7144, वो आपको लेवल्स मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद आप वीडियो में देख सकते हैं, उस वीडियो में जो बताया गया था, क्योंकि मैंने इसको ट्रेड नहीं किया तो मेरे को लेवल एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और मिलते हैं आप लोगों से संडे को वेबिनार में, अपने क्वेश्चंस रेडी रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की वर्कशॉप स्टार्ट होंगी, वर्कशॉप में हम आप लोगों को बताएंगे कि टॉपिक के बारे में, उसके लिए मैंने कल एक पोल भी किया था, उस पोल का रिजल्ट देखते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं, पता चल गया होगा अभी तो। उस पोल का जो रिजल्ट
हाँ बोल था, इसमें मोस्टली लोगों ने स्टॉक सिलेक्शन को ही अपना प्रेफरेंस दिया है कि स्टॉक सिलेक्शन करना है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो ट्राई करेंगे कि जो पहला वर्कशॉप होगा उसमें स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बताया जाए आप लोगों को, ठीक है। तो पहला जो वर्कशॉप करेंगे उसकी डेट्स जो डिटेल्स होंगी वो सब आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, वो यहाँ से बाहर नहीं मिलेंगी, आपको यूट्यूब पर या कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं जितनी हेल्प हो सकती है उतनी करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं आप लोगों को संडे को। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।